दमा या अस्थमा, जिसको कि ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये बीमारी तो दम निकलने के बाद ही जाएगी, दमा दम निकलने के बाद ही जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं आई है इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए। या तो स्टेरॉइड दे दिया जाता है, या एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ दवाइयां दी जाती हैं, या आपको इनहेलर दे दिया जाता है, और जिसके थ्रू आप पूरी जिंदगी निकालते होते हैं। जब भी आपको अटैक आता है, इस तरह के ट्रीटमेंट पे आप सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाली हूं जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेडिकल साइंस में अभी तक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आयुर्वेद में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि 100% आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। क्योंकि ये बीमारी छोटी मोटी नहीं है, पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं, और 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल इससे मर जाते हैं। आप सोचिए कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाइटिस की वजह से उनकी साल में डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, जिनको होती है उनको पता है कि उनको कितनी ज्यादा तकलीफें होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज इस बात करेंगे हम दमा के बारे में। अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक्चुअल में रेस्पिरेटरी जो ट्रैक डिसऑर्डर है, वो एक्चुअल में हमारा जो रेस्पिरेटरी एयरवेज स्टार्ट हो जाता है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। ये जो मोटी नली होती है, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया जब हमारे चेस्ट के पास यहां आती है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सा पेड़ है, जिसका कि एक मोटा तना है, और उसके नीचे बहुत सारी जड़ें हैं। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज निकल जाती है, जिनको ब्रांकियोल्स कहते हैं। उस ब्रांकियोल्स के थ्रू ही हमारे लंग्स में हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। हम बाहर सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर लंग्स में ही प्रॉब्लम हो जाए, वो जो छोटे छोटे कैपिलरीज है, ब्रैंकियल्स है, उनमें प्रॉब्लम हो जाए, अंदर में अगर इन्फेक्शन हो गई, बैक्टीरिया की वजह से हो गई, वायरस की वजह से हो गई, फंगस की वजह से हो गई, ठंड बहुत ज्यादा सीवियर ठंड आपको लग गई उसके वजह से हो गई, और स्वेलिंग आने के बाद इन्फ्लेमेशन होकर वो सूजन उसके अंदर आ जाती है, तो क्या होता है कि प्रॉपर एयर पास ना जा पाता है, ना प्रॉपर एयर निकल पाता है। तो क्या होता है कि लोगों को सांस लेने में फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, क्योंकि वो प्रॉपर जो उनका फंक्शन है, वो एयरवेज है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है। एलर्जी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बेसिकली जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनमें आप देखेंगे कि कुछ लोगों में जेनेटिक भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ पोलन से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जो वेदर है, ठंड का वेदर उनके लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है, ऐसे टाइम में उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। ठंड लगने की वजह से जब टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। धूल मिट्टी सबके वजह से हो जाती है, धुआं जो है फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, या केमिकल्स का धुआं हो गया, उस धुआं की वजह से हो गया। जिनके घर में पेट्स हैं, पेट्स के जो बाल होते हैं उसके वजह से हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिव स्ट्रेस का लेवल जिनको है, या रेगुलर बेसिस पे जिनको निमोनिया बहुत बार हो जाता है, और ये फिर एवरी ईयर इनका जब जब मौसम बदलता है, तब तब ये अटैक आना कंपलसरी हो जाता है। तो जब ये सिचुएशन होती है, उसमें इनको रातों को नींद नहीं आती है, सीटियों जैसी जब सांस लेते हैं तो सीटियों जैसी आवाज आती है, विजल होती है, विजिंग होती है इनको, उसके सांस लेते हैं तो सांस लेने में इनको और छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। रातों को बिल्कुल इनको नींद नहीं आती है, कंटिन्यूअस बेसिस पे कफ बहुत ज्यादा रहता है, जो कफ बार बार इनको निकालना होता है, नहीं तो उसके वजह से लगता है चेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन हो गया, सर में बहुत ज्यादा भारीपन होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। ये तो हो गई सारे सिम्टम्स की बात। क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर आपको इनहेलर दे दिया जाता है। जब भी आपको अटैक आता है, शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर आप इनहेलर का उपयोग करते हैं। इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये क्या है, टेम्पररी है। इस सिस्टम को ठीक करने का इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है, और आयुर्वेद में क्या है कि बात और कफ की प्रॉब्लम जिनको बहुत ज्यादा होती है, तो सबसे पहले हमें बात को कंट्रोल करने की जरूरत है, और कफ को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम अगर कहें मेल और फीमेल में, तो मेल में कम देखी जाती है, फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बच्चों में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। बच्चों में बात और पित्त को कंट्रोल करने की बात है, इसके लिए मैंने बच्चों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे बच्चों के डाइट का, कैसे उनके न्यूट्रिशन का, कैसे उनके वात और पित्त का ख्याल रखा जाए, ये मैं आई कार्ड में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा इस वीडियो का, इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वीडियो आप जरूर जाकर देखें। जिन लोगों के भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, मैं बता रही हूं वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो आप बच्चों पे वो सुनोगे। ऐसे लोगों को अवॉइड करने की क्या जरूरत है, तो ठंड से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, कफ उनके बॉडी में ना बने और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ऐसे इन्फेक्शन से दूर रहने की जरूरत है। तले भुने खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिन भर गर्म पानी, हाइड्रेटेड रहें, गर्म पानी आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें,
और ऐसी चीजें जिससे कि इंफ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी ना हो और एलर्जी ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन मिनरल्स का प्रॉपर इंटेक करें, विटामिन सी प्रॉपर खाएं। जैसे मैं बताती हूँ, एक आंवला हर रोज खाएं, चाहे बच्चों को खिलाएं। और आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो बच्चों को प्रॉब्लम है, चाहे मेल को प्रॉब्लम है, चाहे फीमेल को प्रॉब्लम है, आपकी जिंदगी से दमा जो है वो दम तोड़ देगा, पूरी तरीके से निकल जाएगा, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कि हर रोज आप 15 मिनट अनुलोम विलोम और वस्त्रिका जरूर करें। उसके साथ जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक्यूप्रेशर के साथ साथ कुछ कलर थेरेपी भी अगर करेंगे, क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस लोगों को दमा की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ठंड की वजह से होती है, तो उसको गर्म की चीजों, हम खाने पीने की चीजों में भी ऐसी चीजें देते हैं जो हीटअप कर सके, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें आपको आज मैं देने वाली हूं जिससे कि वो उसमें कलर थेरेपी भी होगा और कलर थेरेपी की वजह से ये प्रॉब्लम आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो हम एक्यूप्रेशर दिखा रहे हैं जिसमें कि आज कलर थेरेपी के साथ मैं दिखाऊंगी। अगर आपके पास रेड कलर की बिंदी है तो आप उसको ले सकते हैं, आपके पास रेड कलर की बिंदी नहीं है तो आप रेड मार्कर को भी यूज कर सकते हैं मार्क करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या पॉइंट है। ये आप देख लीजिए, इस उंगली, ये जो रिंग फिंगर है हमारा, ये जो ये उंगली है हमारी बीच वाली उंगली, इस उंगली के यहां पे एक पॉइंट है, यहां आप देख रहे हैं एकदम नीचे से, ये यहाँ पे आप रेड कलर लगा लें या रेड बिंदी लगा लें, जिसको कि हर रोज आपको 3 से 4 बार क्या करना है, आपके पास नीडल है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, आपको इसको पुश करना है छोड़ना है, पुश करना है छोड़ना है। दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों उंगलियों के ये बीच में सेंटर, आधा इंच 1 सेंटीमीटर से भी कम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है सिमिलर, इस पार्ट को भी आपने दबाना है छोड़ना। ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा का एरिया यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे, ये इस एरिया पे सिमिलर, आपको इस एरिया पे सांस लें और जब छोड़े तो सांस छोड़े तो इससे क्या होगा कि रेड कलर जो है वो हीट का कलर है, इससे हीट जाएगा, एक्यूप्रेशर से नर्व दबेंगे जिसके वजह से जो वो उसकी पैसेज कम हो जाती है, एयर की जो पैसेज कम हो जाती है कैपिलरीज में, पैसेज ओपन होने लगते हैं और जो आपके कफ है वो हीट थेरेपी की वजह से पिघलने लगते हैं। इसके बाद आइए अब मैं आपको बताने वाली हूं कुछ खास चीजें जिसमें कि 2 ड्रिंक है, एक ड्रिंक अभी मैं आपको पहले बताऊंगी जो कि आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है, एक ड्रिंक रात में आपको सोने से पहले लेना है, एक अरोमा आपको बताऊंगी जिसको कि रोज आपको हर 1 घंटे में सूंघना है, और उसके साथ साथ एक ऑयल और ऑयल के साथ आपको मसाज। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा, एक छोटा सा प्याज ले लीजिए, उसके बाद 2 इंच टुकड़ा ये इस तरह का एक अदरक ले लीजिए और 8-10 पत्ते तुलसी का ले लीजिए, और इन सारी चीजों को मिलाकर आप मिक्सी में पीस लें, और पीसने के बाद वो इस तरह से मिक्सी में आप पीस लें और फिर ये जूस इसका इस तरह से आप निकाल लें, छान लें। एक आधा ग्लास इस तरह से काफी गर्म पानी आप ले लें, उस पानी के अंदर 2 चम्मच ये प्याज अदरक और तुलसी पत्ते का जो हमने जूस बनाया है इसको 2 चम्मच मिलाना है, और इसके अंदर मिलाना है 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद को बनाकर, और फिर नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद आपको गरम गरम सिप सिप करके जस्ट लाइक जैसे चाय पीते हैं वैसे हमने इसको पी लेना है। अब दूसरा जो हमें करना है वो अरोमा थेरेपी करना है, तो अरोमा थेरेपी के लिए हमें क्या करना है कि देसी जो शहद होती है ये 2 चम्मच आप शहद ले लें, और इस शहद के अंदर भीमसेनी कपूर कहते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कपूर होता है, ये किसी भी जहां पे पूजा का सामान मिलता है वहां आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो जो आर्टिफिशियल कपूर आती है आप वो भी ले सकते हैं। इस कपूर को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से ऐसे चूरा बना देना है, को अच्छे से आप फेंट लें, मिला लें, बस इस तरह की जो जार होंगी उस जार के अंदर आपने इसको भर लेना है, के बाद आप इसको बंद करके रखें और हर 1 घंटे के बाद इसको सूंघना है कि आपके जो नेजल में और जो आपके जितने भी एयरवेज में जो कंजेशन है वो कंजेशन इमीडिएट रिलीज हो जाएगा, आपको सांस लेने में आसानी होने लगेगी, खांसी हो रही है वो इंस्टेंट बंद हो जाएगी। अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिनको हाफते हैं, जिनकी सांसें बहुत ज्यादा फूलती हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे मौसम जैसे ही आता है बहुत ज्यादा एस्थमेटिक अटैक आता है, उनके लिए रामबाण इलाज है, आप करके देखिएगा, 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। और ये है केनी पेपर,
ये आप सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमेजोन पे बहुत खुलेआम मिलती है। ये केनी पेपर आप लेंगे, ये मिरेकुलस रोल प्ले करता है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। तो अब आपको करना क्या है कि पहले डेढ़ ग्लास पानी को उबालना है। जब डेढ़ ग्लास पानी एक ग्लास रह जाए, उस एक ग्लास पानी में आपको हाफ टी स्पून मिलाना है ये दालचीनी का पाउडर, उसके अंदर एक चम्मच मिलाना है ये अदरक का रस, एक चम्मच भर के मिलाना है इसके अंदर नींबू का रस, एक ही चम्मच इसके अंदर डालना है शहद, और ये जो पाउडर है कैनी पेपर इसका आपको डालना है हाफ टेबल स्पून आपने डाला इसमें, और फिर इस सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। आपको इसको पीना है, ये आपको हर रोज पीना है, लेकिन जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं, आपकी खांसी, आपका कफ, आपका कंजेशन, ब्रोंकाइटिस बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसके बाद इसको नहीं पीना, इसको बंद कर देना है। मसाज बताने वाली हूँ, ये मसाज आप दिन में भी एक बार करें जब धूप निकल जाए उसके बाद, और रात को भी सोने से पहले। जब इसके लिए करना क्या है कि आपको ऑयल लेना है, ये रोजमेरी ऑयल है, आप देखेंगे तो कहीं पे भी ये ऑनलाइन सब जगह मिल जाती है। ये रोजमेरी ऑयल आपने हाथ में इस तरह से निकाला, जायफल हमेशा रखिए, ये नटमेग है, ये आपने मिलाना है थोड़ा सा, और फिर इसको हाथ में अच्छे से लगा लीजिए, और फिर इससे बैक में, चेस्ट पे, सभी जगह अच्छे से रब करके हाथ गर्म हो जाए, फिर मसाज कर दीजिए। मेरे पास बाय द वे ये ऑयल नहीं मिलता है, तो आप सरसों का तेल लें, उसमें 8-10 कलियां जो हैं वो आप लहसुन का उबार लें, और फिर उसके बाद अच्छे से जब पक जाए लहसुन तो उसके अंदर ये नटमेग डाल लें, और नटमेग डालने के बाद फिर उस ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हैं। सिकाई करना है तो सिकाई करने के लिए इसमें क्या करना है, आपको 2 चम्मच जो है ये अजवाइन है, 2 चम्मच अजवाइन लेना है, और इसके अंदर ये भीमसेनी कपूर जो मैंने बताया इसका एक टुकड़ा डालना है, और इसकी पोटली बना लेनी है। तो अब जो ये पोटली बनाया है, ये तवा इस तरह से गर्म करिए, और तवे पे हल्के हल्के इस पोटली को गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद छाती पे, कंधे पे, गले में हल्के हल्के इससे सिकाई कीजिए। इससे जब सिकाई करेंगे कर्पूर इसके अंदर धीरे धीरे जो है वो पिघल जाएगा, और जब आप सिकाई करेंगे तो कफ धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और जिसको बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको इंस्टेंट आराम आ जाएगा। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से ये सारे उपाय हैं, और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये उपाय आप अगर पहले से प्रिवेंशन के तौर पे करेंगे तो ये सीजन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको फायदा होता है तो मैं जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत लोग परेशान हैं और ये ठंड का सीजन आ गया है, ऐसे टाइम में आप हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो दूसरों लाइक तो खुद करें ही करें, लेकिन साथ साथ दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों का भी फायदा करा सकें। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।